हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कलाकंद की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कलाकंद बनाने के लिए हमने 500 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। कलाकंद में पनीर ज़्यादा डलता है और दूध कम डलता है। ये हमने सारे पनीर को ग्रेट कर लिया है। सबसे पहले हमने आयरन की कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। अब हम इसमें 1.5 कटोरी चीनी डाल देंगे। ये हमने 150 ग्राम चीनी ले ली है। अब चीनी को हम अच्छे से मिक्स होने तक पकाएंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 100 ग्राम मिल्क पाउडर डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे हम थोड़ा सा पका लेंगे। ये दूध थोड़ा पक चुका है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे जो हमने ग्रेट कर लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल ठीक होने तक पका लेंगे। हमें इसे हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ताकि ये नीचे ना लगे और इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अब ये मिक्सचर काफ़ी ठीक हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़े से अच्छे फ्लेवर के लिए। अब हम गैस को 2 मिनट के लिए सिम करके इसके लिए मोल्ड तैयार कर लेंगे। ये हमने मोल्ड ले लिया है, इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे। ये हमने बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर आप ऐसे ही लगाएं, क्योंकि इसमें से निकालना आसान हो जाता है। अब हम इसमें घी से ग्रीस कर देंगे। ये हमने मोल्ड को ग्रीस करके रख दिया है। अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। अब हम गैस को तेज़ करके कलाकंद को फिर से अच्छे से पका लेंगे। अब ये कलाकंद का बैटर एकदम रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये कलाकंद का मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोल्ड में निकाल लेते हैं। इसे हमने मोल्ड में निकाल लिया है। अब हम इसे सेट कर लेते हैं। इसे आप चम्मच या स्पैचुला किसी से भी एकदम सेट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमारे पास पिस्ता और बादाम है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए। अब हम स्पैचुला से इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देते हैं। अब हम इसे 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम इसे प्लेट से कवर करके 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं।
ये कलाकंद को हमने 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब ये सेट हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। ये कितने आराम से कट रही है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट बनी है। इसे हमने काट लिया है, अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमने सर्व करने के लिए ट्रे में निकाल दिए। हमने कलाकंद को 1 घंटे ठंडा करके 3 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रख दिया था, इसीलिए ये एकदम सेट हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।